चंपावत जिले के बनबसा इमिग्रेशन चेक पोस्ट पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता हासिल हुई, जहां बिना भारतीय वीजा के भारत में प्रवेश करने का प्रयास कर रही पाक मूल की एक महिला को सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि अमेरिकी नागरिकता प्राप्त पाक मूल की महिला के पास पासपोर्ट की फोटोकॉपी थी। उसने बताया कि उसका पासपोर्ट काठमांडू में रह गया है। दूतावास से पता करने पर जांच में पाया गया कि महिला के पास पासपोर्ट तो है, लेकिन भारत का वीजा नहीं है। महिला बिना वीजा के भारत में प्रवेश करना चाह रही थी। जांच एजेंसियों को पूछताछ में पता चला कि महिला का नाम फरीदा मालिक है, जिसकी उम्र 50 साल है और उसका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन विगत 1992 में उसने और उसके परिवार ने अमेरिका की नागरिकता ले ली थी। कल चेकपोस्ट अधिकारी इमिग्रेशन नरेंद्र सिंह द्वारा सूचना दी गई थी कि एक महिला जो कि मूल रूप से पाकिस्तान की निवासी है और वर्तमान में अमेरिका के वीजा पर रहती है, जो नेपाल के रास्ते भारत सीमा में आ गई थी और इसको चेक किया गया तो इसके पास ना पासपोर्ट था ना वीजा था। काफ़ी इंट्रोगेशन के उपरांत कि इनका क्यों आना हुआ, कैसे इधर आना हुआ, बिना पासपोर्ट कहाँ है, वीजा कहाँ है, इस बाबत जब वो कोई सही उत्तर नहीं दे पाई तो उनके द्वारा हमको सूचना दी गई, जिस आधार पर हमारे द्वारा उनका मामला दर्ज कर लिया गया है और आज उस उक्त महिला को रिमांड के लिए मान्य गया। फिलहाल बोर्ड पर तैनात खुफिया विभाग और अन्य जांच एजेंसियों ने फरीदा को हिरासत में ले लिया है और उसके भारत आने के इरादे और कारणों के बारे में पूछताछ की जा रही है। साथ ही बनबसा थाने में महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर महिला को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंपावत से हरीश रावत की रिपोर्ट।